सागर जिले के गड़ा कोटा थाना अंतर्गत ग्राम सिंहपुर कला में आपसी विवाद को लेकर एक वृद्ध को गोली मारकर घायल कर दिया। उसे ग्राम के लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ा कोटा लाया गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद सागर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित जानकी कुर्मी ने बताया कि ग्राम के ही पूरन कुर्मी ने उन पर दो फायर किए, इसमें एक पैर में लगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विकास राज ने बताया कि सिंहपुर जानकी प्रसाद को घायल अवस्था में लाया गया है, इन्हें सागर जिला अस्पताल भेजा है। घायल की हालत गंभीर नहीं है। थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने कहा कि घायल जानकी प्रसाद कुर्मी ने बताया कि पूरन कुर्मी ने उनके ऊपर गोली चलाई है, जो उनके पैर के नीचे के हिस्से में लगी है। साथ में हल्ले भाई पप्पू और संतोष कुर्मी थे। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। जानकी प्रसाद कहाँ के रहने वाले? सिंहपुर कला। क्या घटना हुई है आपके साथ? गोली चलाई उन्होंने, दोपहर चला ऊपर उन्हें कर गए ये गलगाओ। किसने चलाई गोली? जी पूरन ने। पूरन, पूरा क्या नाम लिखते हैं? पूरन कुर्मी गोली चलाई। हाँ। फिर क्या हुआ? इन्होंने हमें 6-7 जनों ने रख लो मान हल्ली भाई और अशोक और हनुमत है, हमें खैर नहीं आ रही है मालिक, हम कहाँ बताइए। आपको आपको गोली लगी कहाँ लगी है? पैर में। ठीक, हमसे पूछ ली कितना मालिक यार है। गोली चलने की घटना सुनने में आई है, कहाँ गोली चली है, कहाँ की घटना है? जानकारी में है कि फरियादी जानकी प्रसाद कुर्मी है, जिसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि पूरन कुर्मी द्वारा उसके ऊपर गोली चलाई गई, जो कि उसके पैर के नीचे हिस्से में लगी है। साथ में हल्ली भाई थी और पप्पू और संतोष कुर्मी भी थे, जिस पर थाना अस्पताल में जाकर उसकी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई और वो बेचना जा रही थी। सर झगड़ा किस बात को लेकर चल रहा है? ये आपसे एक किसी बनता है एक दूसरे के लोग इस बात को लेकर आपस में उनकी विवादित स्थिति निर्मित रहती है। घायल आया है कहाँ से? घायल आया क्या नाम है? जानकी प्रसाद नाम के व्यक्ति आए हुए हैं सिंहपुर से। इनके बाएं पैर में चोट है। काय की चोट समझ में? चोट फायर मार इंजरी हो सकती है, इसके लिए अपन इनको सागर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं। अभी अभी कैसा है घायल? अभी ठीक है, गंभीर नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।